हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन। टेक्निकल गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा स्पेशल प्रोग्राम टेक प्राइम आप देख रहे हैं। पिछले फ्राइडे जो टेक प्राइम आई थी वहाँ पे हमने गिव अवे किया था, जिसका रिजल्ट होगा वीडियो के लास्ट में, और कुछ न्यू गिव अवे अपडेट्स भी है जो होंगे वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले टेक न्यूज़ लेते हैं, टेक प्राइम की बात करते हैं, और सबसे पहली खबर Xiaomi टीवी के लेकर है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले अपने इंडिया में Xiaomi का दो तीन मॉडल का टीवी लॉन्च हुआ था। यहाँ पे जो सबसे फेमस था वो था 43 इंच वाला टीवी, जिसकी कीमत लगभग 40,000 में आ रही थी। बाद में इसका प्राइस को 5,000 लगभग बढ़ा दिया गया था, 45,000 के आसपास में ये मिलने लगा था। अभी भी उतना ही प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या था कि 20% इंपोर्ट ड्यूटी लग जाता था Xiaomi को, 2% जो है सरचार्ज लग जाता था। तो कुल मिला के इस वजह से जो प्राइस उनको बढ़ाना पड़ गया था, और कुछ टैक्सेस वगैरह इंडिया में बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, जिस कारण से प्राइस और 5,000 बढ़ गया था। Xiaomi अब ऐसा प्लान कर रहा है कि अगस्त 2018 से, यानी इसी साल से, Xiaomi अपने इंडिया में बेसिकली जो 43 इंच और 32 इंच वाली जो टीवी है उसका एक प्लांट, एक्चुअली प्लांट टीवी का एस्टेब्लिश ऑलरेडी कर रहा है अगस्त से, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे टीवी, उसमें 43 और 32 इंच वाले टीवी को पहले फोकस करके स्टार्ट किया जाएगा। यह तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश तिरुपति पड़ता है, वहाँ से इसको स्टार्ट करने की संभावना है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यह टाई अप कर रहा है। अगर इंडिया में यह मैन्युफैक्चर सक्सेसफुल होने लगेगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी पे 5% का लगभग उसको बचत होगा, यानी प्राइस जो वो डाउन जाएगी, और सरचार जहाँ 2% लग रहे हैं वहाँ 1% में ही काम चल जाएगा। जो टीवी की एक्चुअल प्राइस 40,000 थी, मे बी कि उसी प्राइस या फिर उससे भी डिस्काउंटेड रेट में है टीवी जो हम लोगों को मिलने लगेगा। बहुत अच्छी बात है। अगली खबर फ्रीडम 251 मोबाइल को लेकर है। एक्चुअली ये टेक न्यूज़ तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फ्रीडम 251 का रिलेशन टेक न्यूज़, टेक टाइम वगैरह से आते हैं, तभी मैं सोच रहा हूँ दे देता हूँ। जो मोहित गोयल, जिन्होंने हम लोगों को सपना दिखाया कि 251 रुपीज़ में स्मार्टफोन, जो आपको टैबलेट वगैरह जो भी फ़ोन वगैरह वो आपको देंगे, फ़ोन वोन तो कुछ था नहीं, था सबका सब नकली। अब यह जो मोहित गोयल है उसको पुलिस जो है दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर ली है, वो गिरफ्तार हो गया। अब किस केस में, ये फ्रॉड के केस में नहीं कि फ़ोन देंगे नहीं देंगे, नहीं, वो कुछ गैंग रेप के केस में इनको अरेस्ट कर लिया गया। खैर चलिए, हालांकि इस टेक न्यूज़ से इसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं सोचा आपसे शेयर करता हूँ। नेक्स्ट खबर सैमसंग गैलेक्सी S8 फ़ोन को लेकर है। यह फ़ोन फिर से ब्लास्ट की न्यूज़ सामने आई है। अमेरिकन एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यह चलती कार में, जो कार में एक महिला गाड़ी चला रही थी, तो अचानक क्या हुआ कि फ़ोन ब्लास्ट हो गया, फ़ोन में आग लग गया, और उसके कारण वो गाड़ी में भी पूरी आग लग गई। हालांकि जो लेडीज़ गाड़ी चला रही थी वो अपने माइंड का काफ़ी उपयोग किया और गाड़ी से निकल पड़ी, नहीं तो उनकी भी जान जा सकती थी। अब उनका ये कहना है कि गैलेक्सी S8 और S4 ये दोनों फ़ोन रखी थी, अब दोनों में आग लग गया। एग्जैक्टली क्या S8 में आग लगा, S4 में आग लगा, या आग लगने की वजह कुछ और थी, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। बट आपको याद होगा कि गैलेक्सी नोट 2 में भी अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई में घटना सामने आई थी, जहाँ पे उसमें फ़ोन वगैरह जो है ब्लास्ट वगैरह हो गया था। चलिए अगली खबर की बात करते हैं, जो कि आ रही है MediaTek प्रोसेसर को लेकर। MediaTek का M70 प्रोसेसर एक आने वाला है, जो कि 5G जो टेक्नोलॉजी आने वाली है 2019-20 तक, उसको ये सपोर्ट करेगा। MediaTek, Snapdragon या फिर जो भी कंपनी है जो प्रोसेसर वगैरह बनाती है, चाहे Samsung वगैरह हो, तो सभी ये चाह रही है कि जो प्रोसेसर 5G के लिए जो बनाया जाए उसको कितना सस्ता बनाया जा सके, ताकि एक जो नॉर्मल यूज़र है वो भी स्मार्टफोन खरीद सके। अब देखो, जैसे Snapdragon का 855 प्रोसेसर, जो कि शायद अभी तक 855 प्रोसेसर का फ़ोन भी मैं अभी देखा ही नहीं हूँ, मतलब जो 845 प्रोसेसर जो कि नए नए फ्लैगशिप फ़ोन वगैरह में आते हैं, 50,000 60,000 55,000 वाले फ़ोन में आते हैं, उसके भी एडवांस 855 प्रोसेसर को ये 5G टेक्नोलॉजी में उसको यूज़ किया है स्नैपड्रैगन ने। अब चूंकि यहाँ पे M70 प्रोसेसर बता रहे हैं MediaTek जो लेके आने वाले, फिर किरनी का भी कुछ प्रोसेसर है, वो लोग भी लेके आने वाले हैं। अगर ये सब कुछ लेके आए, सस्ते कुछ प्रोसेसर लेके आए जो कि 5G टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से काम करा सके, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ होने वाली है। जो जितने भी हम लोग हार्डवेयर अभी यूज़ करते हैं, बात करेंगे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या फिर बात करेंगे फास्ट प्रोसेसिंग की, तो सभी की जो प्रोसेसिंग है वो सब बहुत एडवांस होने वाले हैं। तो प्रोसेसर उसके हिसाब से कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है उम्मीद है कि 2020 से 22 तक के बीच में यह ऑलरेडी सारे मार्केट में आ जाएगी और कुछ सस्ते दर पे लेके आएगी। चलिए नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। एयरटेल का 558 यानी 558 का एक नया प्लान आया है, जहाँ पे 3GB डेटा पर डे दे रहे हैं। 82 दिन की वैलिडिटी है, जियो के कंपैरिजन में एक अच्छा मुकाबला है, अच्छा ये प्लान है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछले साल से इस साल के बीच में अगर जियो और एयरटेल की डाउनलोडिंग स्पीड में कंपैरिजन किया जाए, तो एयरटेल की डाउनलोडिंग स्पीड जियो से बेटर आ रही है, जो एक साल का लास्ट रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। दोस्तों यही आज का टेक प्राइम। अब हम बात करते हैं गिव अवे की। जो फ्राइडे गिव अवे हुआ था, जहाँ पे जो विनर है वेदू सकलानी जी, जिनको मिलता है ये सोनी
सोनी के हेडफोन्स, तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। आपने इस वीडियोज़ को लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो किया। अगर आप भी ऐसा करते हैं, यानी नीचे जितना चाहे 1, 2, 4, 10, 50 जितना चाहे कमेंट करते हैं, इन्होंने 16 कमेंट, 1 लाइक किया था, आप 50 कमेंट करेंगे तो आपके जीतने के चांसेस हैं वो ज़्यादा और बढ़ जाएंगे। तो जितना चाहे कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही किए हैं और बेल आइकन को भी दबा लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट हम पहले वहीं पोस्ट करते हैं फिर जाके यूट्यूब वगैरह पे आते हैं। तो आप भी जीत सकते हैं, हर दिन टेक टाइम में हमारे तरफ से ये एक गिफ्ट आप लोगों को दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियोस पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक ले बाय।